नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। यहां बात करेंगे आंगनबाड़ी में भर्तियों के बारे में। और इस भर्ती में 5-4 तरीके के पद हैं और पदों की संख्या भी 15,207 है। तो इसमें अप्लाई करने में गलती मत कर देना, इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। इसका पूरा डिटेल मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ मैक्सिमम, फिर भी इसका लिंक मैंने आपकी सुविधा के लिए दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस लिंक पर आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन मिलेगा। इसमें जो आवेदन फॉर्म है वो आपको मार्केट में मिले नहीं मिले इस लिंक पर जरूर मिल जाएगा। आवेदन भरना कैसे है ये डिटेल आपको मिल जाएगी, जमा कहाँ कराना है ये डिटेल आपको मिल जाएगी। बाकी ये सारी चीजें यहाँ भी आपको वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अभी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप बाद में भूल ना जाएं। तो यहाँ बात कर लेते हैं इस नई भर्ती के बारे में, और ये निकली हुई है आंगनबाड़ी में। तो आंगनबाड़ी में यहाँ फिलहाल पदों की बात कर लेते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या वर्कर की बात करें तो भाई 3,686 पद हैं कुल। अब बात करें मिनी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तो 708 पद हैं। फिर इसके बात करें सहायिका की तो 4,122 पद हैं, यानी कि आंगनबाड़ी हेल्पर की। और अगर बात करें आशा सहयोगिनी की तो 6,511 पद है। आशा सहयोगिनी के 6,511 पद है। आशा सहयोगिनी को एक फायदा और है, अगर वो A&M करना चाहती है तो उनको छूट मिलती है अगर वो आशा सहयोगिनी का सर्टिफिकेट लगा देती है सभी 6 ट्रेनिंग्स का। तो कुल 15,207 पद हो गए। अब ये जो रिक्रूटमेंट है इसका लिंक मैंने दे दिया, देख लेना एक बार आप। तो फिलहाल इसके जो पद हैं वो कहाँ निकले हुए हैं, चूंकि ये भर्ती राजस्थान की है तो राजस्थान में सभी जिलों में अभी निकले हुए नहीं है, लेकिन अलवर, भरतपुर, कोटा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, अजमेर, चूरू और नागौर, ये 10 जिलों में ये भर्ती निकली हुई है। बाकी जिलों में भी जल्दी ही आ जाएगी। तो अभी 1,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आ रखा है, इन जिलों में आ रखा है। तो इन जिलों में आप आवेदन कर सकते हैं अपने जिले के हिसाब से। अब इसमें योग्यता वगैरह आपको बता देता हूं कि इसमें 10th पास और 12th पास चलता है, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है तो मेरे भाई आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 40 साल इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है। लिंक दिया है, इसका ढंग से नोटिफिकेशन पढ़ लेना। अपने जिले के अगर आप निवासी हैं तो अपने जिले में आवेदन भरना, अपनी पंचायत में, अपने आंगनबाड़ी क्षेत्र में आवेदन भरना, क्योंकि सैलरी इसमें कम रहती है। 4-5 हज़ार रुपये मिलते हैं आप लोगों को, 4-5 से लेकर के 8 हज़ार तक। तो इसमें सर्वाइव करना नामुमकिन है, पर हाँ ये ठीक है कि एक आपको चाय नाश्ते की प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि ब्रेड बटर का आपका खर्चा आपको मिल जाएगा। ये आपकी फायदा इसमें हो सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर, काम आपके पास दुनिया भर का रहेगा। अफसर, हर आदमी आपका अफसर रहेगा, तो उस हिसाब से आपको काम करना है। तो ये हिसाब से आप देख लेना, वैकेंसी निकली हुई है, फॉर्म जरूर भर देना, चूक मत करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।